हेलो एवरी वन सो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वॉट आई एम डिस्क वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू यूज़ स्टीम टू बूस्ट कोलाजन एक तरह से आज मैं कोलाजन बूस्ट करने का एक थेरेपी बताने वाली हूँ जो सारे लोग ईजिली अपने घर पर कर सकते हैं और कोलाजन इज समथिंग विच एवरीबडी नीड्स ओके सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज इस प्रोसेस को मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखा है क्योंकि बिना किए मैं किसी चीज़ को बताती नहीं एज़ यू नो सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो करना आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आई टेल यू अबाउट दिस ओके वॉन सेकेंड आई वुड लाइक टू tell you that if you are dry skin people okay if you come if you fall and falls under uh fall under dry skin people what you have to do you have to massage your face with good good quality oil you can use any good quality oil maybe coconut oil maybe olive oil but if you will ask my suggestion i'll suggest to you himalaya baby massage oil which will help your uh, skin to improve it uh, to improve it it's tone provide essential nourishment and it is uh, since it is a baby oil, so no need to worry because it is chemical free paraben free so everything is very safe here in this so i will tell you to this to use this and there is not that much uh, costly also 100 rupees only so and it is quite big so you can use for a long time सो फॉर 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 ड्राई स्किन पीपलाइस जो ड्राई स्किन के लोग हैं वो अच्छे से इस किसी भी वा, अच्छे वॉल से जैसे मैंने बताया आपको ये वॉल यूज़ करना है मेरे बताए हुए तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको यूज़ करना है ये हिमालय का है ओके सो सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लगाना है एंड देन आपको स्टीम लेना है दो मिनट के लिए दो मिनट से ज़्यादा नहीं और इस्टीम का जो uh, फेस होता है ना उसका जो कवर लिड होता है वो थोड़ा सा दूर इतना दूर रखना है ताकि वो डायरेक्ट आपके फेस को रेडनेस ना दे 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 सो दे। सेकेंड so, है नॉर्मल स्किन वालों के लिए नॉर्मल स्किन वाले अपने फेस पे एलोवेरा जेल का मास्क या पपाया जेल का मास्क कोई भी अच्छा सा मास्क थिन लेयर अप्लाई करो अगेन अपवर्ड सर्कुलर मोशन एंड देन यू हैव टू टेक स्टीम फॉर टू मिनट्स सेम वे नाउ कम टू Oily skin people. So for oily skin people, you have to use face scrub, good quality of face scrub. Any any good quality of face scrub you can use, and then you start taking steam. अब scrub लगाने से अगेन आपको circular motion में upward direction में लगाना है. क्या होता है ऐसा scrub लगाने से? scrub में कुछ enzymes होता है जो Uh, आपके स्टीम लेने के बाद वो एक्टिवेट होता है तो आपके ऑयल के पोर्स को वो क्लीन करता है तो ऑयल जो होता है ना वो स्क्रब अच्छे से बाहर निकाल लेता है एंड ऑयल जो स्क्रब का जो इंजाइम्स होता है ना आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है तो इससे क्या होता है आपका पोर्स भी क्लीन हो जाता है एंड देन आपका जो कोलाजन का जो थेरेपी है वो भी कम्प्लीट हो जाता है तो ये एक बार में दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो ये था प्रोसेस किसको किस तरह से यूज़ करना है स्टीम के थेरेपी को द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप जैसे ही स्टीम लेते हो पहले तो स्टीम आपको मैंने बता दिया आपको खाली फेस पे नहीं लेना है आपको अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो ऑयल या किसी मॉइस्चराइजर का भी यूज़ कर सकते हो ऑयली uh, स्किन वाले हो तो फेस स्क्रब का यूज़ करना है और अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हो तो आपको एलोवेरा जेल या किसी भी अच्छे क्वालिटी का जेल यूज़ करना है देन बात आती है जब आप यूज़ कर लेते हो स्टीम ले लेते हो तो आपको सो आफ्टर इस आफ्टर टेकिंग एसटीम यू हैव टू वॉश योर फेस थॉरोली विथ नॉर्मल वाटर नॉर्मल टैप वाटर जो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा ठंडा पानी आता है उससे आपको लेना है इससे क्या होता है आपके फेस का जो फेसियल रीजन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये वार्म कोल्ड की वजह से सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो आपके जो जो यू नो व होते हैं नज़ें होती हैं उसमें ये बहुत अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और उससे आपके फेस में एक अच्छा सा ग्लो आता है आपको कितना दिन में ये करना है मैं बता देती हूँ ऑयली वालों को पंद्रह दिन में एक बार करना है जबकि अदर पीपल को ये हफ्ते दस दिन में एक बार करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड एंड प्लीज शेयर इट टेक केयर लव यू ऑल एंड बाय और हाँ हाँ वन सेकेंड आप जाइए मत एक्चुअली मैं भूल गई थी मैं आपको एक क्रीम रिकमेंड कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा श्लोका का है ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है इसमें कोलाजन एंड विटामिन ई है ओके okay? इसके पैकेजिंग भी बहुत ही बढ़िया है और इसका जो टेक्सचर है कुछ ऐसा सा है मैं आपको दिखाती हूँ ओके okay? इसको मैंने अच्छे से यूज़ भी किया बहुत सारा एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका आप इसे इजिली यूज़ कर सकते हो टू फिफ़्टी रुपीज़ इसका प्राइस है ये फिफ्टी ग्राम इतना बड़ा है तो आप सोचो इसका टू फिफ्टी रुपीज़ है तो कोई बहुत कॉस्टली नहीं हुआ एंड अच्छी चीज़ है तो थोड़ा अच्छे कॉस्ट में भी होता है तो ये बहुत ही अच्छा है आप यूज़ कर सकते हो आई एल ट्राई टू पुट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केयर जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से ढेर सारी बातें होंगी और इस बार भी अच्छी कोई टॉपिक होगी और इफ़ यू लाइक माय लाइक माय वीडियो मेक श्योर टू लाइक इट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ पास इट टू योर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स टेक केयर बाय